आज के समय में ज्यादातर लोग अपने घर या यूं कहे कि किसी को भी किराए पर दे देते हैं। किराए पर मकान देने से पहले लोग ये नहीं सोचते कि क्या पता घर को किराए पर देकर आगे हमको कोई भारी नुकसान ना चुकाना पड़ सके। ये खबर खासतौर पर लोगों के लिए है जो जरूरी है, जो अपना घर किराए पर तो दे देते हैं लेकिन बाद में वो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जिस घर को हमने किराए पर दिया है क्या वो किराएदार उस घर को देख रेख अच्छे से कर रहा है या नहीं। ये मामला अमेरिका के मैनहट्टन का है, जहां एक शख्स के कमरे से तेज बदबू आने की वजह से मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। अमेरिका का मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर के नगरों में से एक है। अमेरिका का सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला एरिया है और साथ ही दुनिया के सबसे घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। खबर थोड़ा चौंकाने वाली है। जब बराबर वाले घर से बदबू आते देख सफाईकर्मी घर के अंदर सफाई करने के लिए पहुंचे तो वहां का सीन देख उनके ही होश उड़ गए। हम आपको बता दें कि इस घर में पिछले कई सालों से एक शख्स रह रहा था, लेकिन एक साल से पड़ोसी उसके घर से बदबू आने की शिकायत कर रहे थे। मकान मालिक ने किराएदार को सफाई करने की हिदायत दी लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। आखिर में उसे घर से निकाल देना पड़ा। जब सफाई करने वाला इस घर में सफाई करने पहुंचा तो कमरे के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा घिनौना चीजों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि इसमें साल भर का कचरा कमरे में जमा हुआ था, जिससे पूरा घर में तेज बदबू आ रही थी। पूरा घर कॉकरोच से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, जिस पलंग पर ये शख्स सोता था उस गद्दे के नीचे मरी हुई बिल्ली भी थी और बिल्ली के शरीर से कीड़े भी लगे थे। इस कमरे का सफाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। SPN 9 न्यूज रूम से अभिषेक की रिपोर्ट।